स्वागत है दोस्तों, वापस से लेके आए हैं हम टॉपिक से। आज का टॉपिक इतना ज्यादा वायरल है कि होली के लगे हुए रंग तो उतर गए, बट बड़े मियाँ छोटे मियाँ के खुमार और शराफ ही नहीं पड़ रहे। समझ रहे, अक्षय कुमार टाइगर शराफ दोनों का हाइप बढ़ नहीं रहा है, बहुत ट्राई कर रहे हैं। हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? तो भाई अभी थोड़े टाइम पहले इसका ट्रेलर जो है रिलीज हो गया है। पहले आया था इसका टीजर जो ज्यादा हाइप बना नहीं पाया, उसके बाद इन्होंने कोशिश की अलग अलग तरीके से गाने डालने की जो हाइप आई बिलीव और कम कर चुके थे। उसके बाद इन्होंने एक इवेंट भी किया लखनऊ में जहाँ जूते चप्पल तक चल गए। बट ये इवेंट और ये हाइप नहीं चल पाई, तो इसी के बाद फाइनली सबकी नजर थी ट्रेलर पे कि अगर ट्रेलर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आई बिलीव ये मूवी दिक्कत में आ जाएगी। 3 मिनट 31 सेकंड का ये ट्रेलर है जिसके अंदर अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, सोनाक्षी सिन्हा थोड़े बहुत ग्लिम्स में है, मतलब सोनाक्षी सिन्हा थोड़े बहुत ग्लिम्स। देखो स्टोरी में एक चीज मुझे नहीं समझ में आती यार, आजकल के एक्शन डायरेक्टर्स या आजकल के डायरेक्टर्स को हुआ क्या, पबजी या फिर BGMI से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है? हर एक्शन मूवी में आपको एक पबजी वाला या BGMI वाला टच देना जरूरी है क्या? नहीं, वेपनरीज जो भी यूज होती है वो ज्यादातर BGMI और पबजी में जो यूज होती है वही वेपनरीज है। अगर एक्शन सीन्स दिखाने प्लेन के गाड़ी के तो वही एंगल पे दिखाएंगे जो हमने BGMI गेम खेलते वक्त विटनेस किए होते हैं। आई नो आप वो ऑडियंस से कनेक्ट करना चाहते हो, बट उससे भी बड़ी ऑडियंस एक्शन सिनेमा के लिए वर्ल्ड में है अगर आप एक प्रॉपर एक्शन दिखाओ। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? ऑलमोस्ट रिसेंटली सारी एक्शन मूवीज में ये चीज बहुत ही कॉमनली हमने नोटिस की है। इसके अलावा अगर ट्रेलर की बात करें तो भाई देखो 3 मिनट 31 सेकंड के इस ट्रेलर में इन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ दिखा दिया है। सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे सिर्फ एक चीज बची है, सिर्फ एक चीज, वो है पृथ्वीराज सुकुमारन का लुक। बात करते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ के नाम के ऊपर। देखो कैसा है यार, ये नाम जब डिक्लेयर किया था इन्होंने, ये अनाउंस किया था, तो मैं बहुत ही खुश था बिकॉज बीइंग अ 90s किड, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये बहुत ही कॉमन से मतलब बहुत ही बेस्ट से बेस्ट मूवी लगी थी मुझे एज एन कॉमेडी एक्शन जॉनर में। तो जब टाइगर श्रॉफ एंड अक्षय कुमार स्टारर ये मूवी पूजा एंटरटेनमेंट ने अनाउंस की तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि शायद हो सकता है बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ये रीमेक हो। कहीं पे भी वो एलिमेंट यहाँ पे नजर ही नहीं आया मुझे, तो आई डोंट नो ये क्या करना चाह रहे, क्यों करना चाह रहे, कैसे करना चाह रहे। सेकेंडली पूजा एंटरटेनमेंट पे से एंड टाइगर श्रॉफ पे से मेरा भरोसा उठ चुका है आफ्टर वॉचिंग द गणपति। देखो ट्रेलर से सिंपल सी बात है, पूरी स्टोरी खोल के इन्होंने रख दी है, मतलब सरप्राइज एलिमेंट वैसा जैसा कुछ है नहीं। एक चीज मुझे जो नोटिस हुई कि भाई ये लोग जो बोल रहे थे कि इन कैमरा एक्शन या रियल एक्शन, तो सारी चीजें रियल एक्शन पे बेस्ड नहीं है। बहुत सारे सीन्स में मुझे ग्रीन स्क्रीन वाला इफेक्ट नजर आ रहा था जो 1920 था। फॉर एग्जांपल जो बाइक वाला सीन है, बाइक क्रैश करके जाने वाला या बाइक जंप वाला, उसमें क्लियरली दिख रहा है कि वो ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट एड ऑन किया हुआ है। इट्स ओके, मतलब मुझे ग्रीन स्क्रीन यूज करने से कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्यादातर इन्होंने बताया था कि रियल एक्शन सीन्स है, जो कि नजर भी आ रहे थे कि बहुत सारे सीन्स इन्होंने एक्चुअली में रियल लोकेशन पे रियल एक्शन में किए हुए हैं, इन कैमरा एक्शन किया हुआ है। चीजी कहते हैं ना, चीजी या फिर एक टिपिकल बॉलीवुड मूवी जो हर कोई एक लौंडा वेला कपल, कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल बॉय, फैमिली मैन सारे लोग देखने जाते हैं, ये वो टाइप की मूवी नजर आ रही है जिसके अंदर आपको वही सारा मास मसाला 2000 से 2010 तक के बीच में आने वाली बॉलीवुड मूवीज की आपको एक नॉस्टैल्जिया दे देगा। डायलॉग्स बहुत ज्यादा मुझे फ्लैट एंड क्रिंजी लगे। एक्सपीरियंस और मैच्योर्ड कौन है? यंग और डायनामिक कौन है? पावरफुल एंड परफेक्शनिस्ट कौन है? फास्ट एंड फ्यूरियस कौन है? कौन है? मतलब वो अंदर से ना मास वाली फीलिंग नहीं दे रहे थे, मतलब ये मैदान तेरा जरूर होगा लेकिन इस खेल के सबसे पुराने खिलाड़ी हम हैं। आई बिलीव अक्षय कुमार इतने फ्लैट एक्सप्रेशन में ये डायलॉग कैसे दे सकते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा था। टाइगर श्रॉफ के लिए मतलब इतना कुछ बुरा नहीं लगा क्योंकि वो उनका बहुत कॉमन चीज है। ठीक है, ओवरऑल इतना कुछ खास है नहीं, जो एक एलिमेंट उनके पास अच्छा था कि AI बेस्ड क्लोन बन चुके हैं जो सुपर सोल्जर्स बने हैं और वो दिख रहे हैं टाइगर श्रॉफ एंड अक्षय कुमार जैसा, वो भी इन्होंने ट्रेलर में रिवील कर दिया है। जो एंड का फाइट सीन डिपेंड करता है स्टोरी क्या होती है, मास मसाला स्टोरी इंपैक्टफुल एंड एंगेजफुल रहेगी तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ट्रेलर से समझ में आ रहा है ये मूवी
ज्यादा बड़े कंटेंट पे बनी है, यानी कि ये 3 घंटे के आसपास की मूवी हो सकती है। और अगर इसको 3 घंटे झेलना है तो यार एंगेजिंग सीन्स होने जरूरी है। सो मैं ओवरऑल इस ट्रेलर को दूंगा 3 out of 5 stars बिकॉज वो फील नहीं आ रही। वो एक जो बॉलीवुड मसाला मूवी, बॉलीवुड ड्यूअल हीरो वाली एक्शन मूवी देखने की जो फील होती है ना, वो मुझे यहाँ पे नहीं नजर आ रही। इसी के साथ आपको ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए।